अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और रिच मैंगो आइसक्रीम केक। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये वाकई में बहुत रिच है और बहुत ही टेस्टी है और लो कैलोरी भी है और नेचुरल इन्ग्रीडियंट से हम बनाएंगे। तो चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे कोई से भी प्लेन बिस्किट, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लें। तकरीबन 20 बिस्किट, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब ये देखें, एक बाउल में कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है बटर, जो कि मैंने मेल्ट कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, केक टिन ले लेंगे, उसको अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और फिर वही जो हमने बिस्किट पीसे हुए थे उसी को उसके अंदर ऐड किया है और अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया किसी भी बर्तन के साथ और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। और अब हम ले लेंगे मैंगो। मैंगो हमने फुल पका हुआ आम लेना है, कच्चा आम नहीं लेना या सख्त आम नहीं लेना। तो इस तरह से इसको कट करके तो हम इसका गूदा निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंगो पल्प निकाल लेंगे और हमें तकरीबन 1 कप पल्प चाहिए मैंगो का, तो बस उसके मुताबिक ही हम इसको काटेंगे। अब एक जार में हम पल्प रेडी कर लेंगे। पल्प के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है। 1 कप पल्प में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। अब ये देखें, अच्छे से ये मैश हो चुका है, प्यूरी रेडी हो गई है। अब ले लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अब इसको हम अच्छे से व्हिप करेंगे जब तक कि ये डबल हो जाए। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मैंगोस में शुगर है, इसलिए इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की। और 1 कप जो पल्प हमने रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करके करने के बाद मैं दोबारा से इसको बीट कर रही हूँ। अच्छे से बीट करना है ताकि ये कंबाइन हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब वही जो केक टिन में हमने बिस्किट के साथ नीचे से हमने तय बनाई थी उसके ऊपर अब यही हमने क्रीम जो है मैंगो क्रीम ऐड करनी है और इसको अच्छे से हमने सेट कर देना है। ये देखें, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, मैंगो पल्प के साथ ही डेकोरेट करेंगे। आप टूथपिक भी ले सकते हैं, यहाँ पर बारबेक्यू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको गोल गोल घुमाएं और बस ये देखें, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन रेडी हो गया। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स लिए हैं, उसके साथ डेकोरेट किया है और उसको 4 से 5 घंटे के लिए अब मैं फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद ये देखें, ये रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और यमी ये केक बनता है, इंस्टेंट बन जाता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, किस तरह का बना है। हमारे घर में इसको सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बहुत ईजी है और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और बच्चों के लिए भी नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और लो कैलोरी है इसमें, इसमें चीनी बहुत कम इस्तेमाल हुई है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।